इसराइल हर तरफ से विवादित बॉर्डर से घिरा हुआ है और इस वक्त हम लोग एक ऐसे बॉर्डर पे हैं जहां इस वक्त झड़प चल रही है और कभी भी बड़े युद्ध की शक्ल ले सकती है। ये देखिए गैलिली मेडिकल सेंटर है, नहारिया शहर में है। नहारिया शहर में ये बड़ा मेडिकल अस्पताल है और उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। यहां लाने का मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा अस्पताल है जो इसराइल के किसी भी बॉर्डर से, कई दुश्मन देश हैं इसराइल के, कई देशों से इसराइल की लड़ाई है हर बॉर्डर पे, लेकिन ये सबसे करीब का अस्पताल है। 10 किलोमीटर से कम के अंदर में ये अस्पताल है। यहां से लेबनान बॉर्डर दिखता है और ये इमरजेंसी वार्ड, आपको बता दे ये इमरजेंसी वार्ड है। और ये जो इलाका है इमरजेंसी वार्ड में, अगर बॉम्बिंग भी हो, मिसाइल भी दागे जाए तो यहाँ का जो कामकाज है वो ठप नहीं होगा। ये जो देखिए बहुत मजबूती से इन दीवारों को खास तरीके से बनाया गया और इसका मकसद ये है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, ये दिखा दे। यहाँ बॉम्ब स्प्लिंटर जो रॉकेट से निकलते उनका असर नहीं होगा। किस तरह से ये बनाए गए हैं आपको अंदाजा लग सकता है। और इसी तरह से हॉस्पिटल को तैयार किया गया। 2006 में जब इसराइल और लेबनान की वॉर छिड़ी थी तब भी इस हॉस्पिटल की मजबूती इतनी थी कि यहाँ कोई असर नहीं हुआ था, जबकि एक जो हमला किया गया था हिजबुल्ला की तरफ से वो यहाँ तक पहुंचा था अस्पताल के ऊपरी माले पे। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है, युद्ध अगर बहुत आगे भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख सकते बहुत मजबूती से इन जगहों को बनाया गया है। ये पूरा जो इमरजेंसी वार्ड है यहाँ बॉम्ब रॉकेट का असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसकी मजबूती, गेट, ये स्टील, ये देखिए इसकी मजबूती। जिस तरह से शेल्टर होते हैं दक्षिणी इसराइल में, उस तरह के शेल्टर की तरह ये पूरा अस्पताल है। बॉम्बिंग होते रहे कोई असर नहीं होने वाला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अस्पताल के, व्हाट्स योर नेम मैम एंड व्हाट्स योर पोजीशन? शैरन मैन फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट एट गैलिली मेडिकल सेंटर। टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट दिस हॉस्पिटल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल नियर द बॉर्डर। यस, दिस इज द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल to any border of Israel. It's the we're 6 miles from the Lebanese border, the northern border, and we serve a very diverse community of more than 6 lakhs. Yeah, we serve a community of about 660,000 people. What is the, here you told me that even bomb can't destruct the structure. Our emergency department is fortified and protected. This is very protected. Yes, so it can be completely closed. This is like a shelter. It is exactly a shelter. It is exactly a shelter. So the idea is to provide a structure that we can provide care, hopefully all the time in times of peace, but... And the time of war, because your country is in the time of war. Yes, but also in the time of war. We want can to you show, to can you tell me something about the structure? Kuch bata sakti hai? Can you tell? It's built, you can see the very thick walls, it could be completely Bahut moti diwaare hain, dekhega. Aur kuch hai? It's fortified, it's protected, it's essentially a bomb shelter. From top also? It's a bomb shelter essentially, and ये bomb shelter है, emergency ward है, लेकिन bomb shelter की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ अगर bombing भी हो, जिस तरह के rocket हमास छोड़ता है दक्षिणी इलाके में या हिजबुल्ला छोड़ता है उत्तरी इलाके में, लेबनान इसराइल के border पे हैं, यहाँ कुछ भी हमला होता है तो असर नहीं होगा यहाँ। ये इतनी ये these glasses are bomb. So, well, you can see that's outside the door, but the ceiling that is over the area where the ambulance is please come show, in, please show me. Is also built to a higher fortified dimension. देखिए ये भी fortified है, ये provides protection. ये भी जब एम्बुलेंस से मरीजों को लाया जाता है तो ये भी fortified है, यानी इतना मजबूत है कि बॉम्ब और रॉकेट का असर नहीं होगा। इस तरीके से बनाया गया तो यहाँ भी लोग छुपेंगे। और ये ग्लासेस जो हैं ये बुलेट प्रूफ है, स्प्लिंटर प्रूफ है। हम आपको इनकमिंग पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, जो चाहे इंजर्ड हो, जो सोल्जर आए, जो आम नागरिक आए या आम लोग हो, यहाँ के स्टाफ हो, अगर यहाँ वो हैं तो जो इलाज की पूरी कार्रवाई होती है उस पर कोई असर नहीं होगा। और हम सबसे इसराइल और किसी देश के बॉर्डर के बीच में, इसराइल और बाकी देशों के बीच जो बॉर्डर है उसके सबसे नजदीक के अस्पताल में है, और कह सकते हैं कि जो दूसरा वॉर फ्रंट है यानी लेबनान इसराइल बॉर्डर का, उसके सबसे नजदीक के
अस्पताल में भी हैं और वैसी जगह पे हैं जो कि बॉम्ब और रॉकेट से सुरक्षित है। यहाँ रॉकेट और मिसाइल का असर नहीं हो सकता।